सो वेलकम टू कॉमिक जोम गाइस। तो ये कस्टमर आया हमारे पास गिटार की प्रॉब्लम लेके। सर आप ये जो गिटार लेके आया टूटा हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या क्या टूट रखा है? इसमें ये नेक टूटा हुआ थोड़ा बस, सेपरेट हो गया नेक। ये दिखाना एक बार कहाँ से सेपरेट हुआ, ये इसका ये पूरा ट्रस रॉड दिख रहा है, यहाँ से निकल गया प्रॉपर। ठीक है, पीछे घुमा के दिखाना है इसको, पीछे से तो प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, बस सामने सामने रखना। इसको थोड़ा ऊपर करना इसमें, ठीक है, यहाँ से ये इन दोनों को ज्वाइंट करना। ओके ओके ठीक है। अब ये जब इसका रिपेयर हो जाएगा तब इसकी एक वीडियो बना के दिखाएंगे आप। सो गाइस, ये जो गिटार था जो रिपेयर होने के लिए आया था, ये रिपेयर हो चुका है और ये कस्टमर के हाथ में। अभी मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि कैसा रिपेयर हुआ है, क्या क्या किया हमने। तो यहाँ से जॉइंट था जो कि अच्छे से लगा दिया है, यहाँ से चिपकाने के बाद इसको पेंट कर दिया, तो आपको देखने से पता नहीं लग रहा होगा कि रिपेयर किया है। यहाँ से भी जॉइंट किया, यहाँ से थोड़ा सा आपको अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि यहाँ से जॉइंट किया, लेकिन कोई भी नया बंदा देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा। प्लस साइड से हमने इसे अच्छे से पेंट भी कर दिया और जॉइंट भी कर दिया एकदम साइड का। मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको, और इस साइड से भी पूरा जुड़ गया ये और अच्छे से जोड़ा है, प्लस ज्वाइन किया। अब कस्टमर का रिव्यू लेते हैं। सर रिपेयर कर दिया हमने, आपको सही लग रहा है, सेटिस्फाइड है इससे? हाँ, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपने जोड़ा है इसको। नहीं, जोड़ा तो सच में आप ही का गिटार है, पर बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। आपको मैं थैंक यू बोलूँगा दीपक भैया का कि आपने जोड़ दिया। मेरे को ऑनेस्टली लगा भी नहीं था कि ये जुड़ पाएगा, बट थैंक यू दीपक भैया। नहीं यार, हम ऐसे ही मतलब ट्राई करते हैं कि कस्टमर अच्छे से सेटिस्फाई हो और अच्छे से जुड़ेगा, तभी आप लोग यार रिकमेंड करेंगे आगे और लोगों को। नहीं, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आगे कि आपसे ही सब कुछ, अगर उनका कुछ खराब हो तो रिपेयर करें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच यार। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब देखते हैं इसको दूसरे वीडियो में दूसरे गिटार के साथ। तो इसी तरीके से हम गिटार जो है वो रिपेयर करते हैं कॉमिक जोम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो अगर आपके पास कोई भी गिटार है जो टूट रखा है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, नेक बेंड है, ब्रिज उखड़ रखा है, या आपको ट्यूनर इंस्टॉल करवाना है, कोई भी ऐसा काम है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो डिटेल्स होंगी वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, व्हाट्सएप नंबर एंड कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।